ज्वाली से जसूर जाने वाली मुख्य सड़क पर प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन ये सड़क पिछले लंबे समय से दयनीय हालत में है। इस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसे दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रदेश में भले ही सत्ता परिवर्तन हुआ हो, नई सरकार को सत्तासीन हुए 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन सड़कों के रखरखाव और मुरम्मत की तरफ अभी तक इस सरकार का ध्यान नहीं गया, जिससे ज्वाली क्षेत्र के अधिकांश सड़कें खस्ता हाल है। ज्वाली से जसूर जाने वाली मेन सड़क पर प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन ये सड़क पिछले लंबे समय से दयनीय हालत में है। मेरा से भरमार तक इस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन गड्ढों की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी पेश आ चुकी हैं, जिसमें वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि इस बारे में पूर्व कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार और ज्वाली से भाजपा विधायक को बने 3 महीने से अधिक का समय हो गया, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस महत्वपूर्ण सड़क को रिपेयर करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मांग की है कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ये सड़क कम से कम 2 साल से टूटी हुई है। जो पिछले विधायक थे उनको पहले इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब नए सरकार आई है, हम जल्दी से अपने विधायक को बताएंगे कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।